जनता की समाज सेवा के लिए उतरेंगे उगते सूरज के प्रत्याशी। चुनाव आयोग ने डेट निर्धारित कर दी है। मेयर पार्षद अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मुरादाबाद के गोविंद नगर वार्ड 12 एससी में सीट आने के कारण निर्दलीय प्रत्याशी नीरज उर्फ कुक्कू चौधरी चुनाव चिन्ह का उगता सूरज है। जब हमारे समाचार ए टू जेड की टीम ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया है कि जनता की सेवा के लिए मुझे चुना गया है, इस कारण मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। वहीं इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता बंटी, सुशील कुमार शर्मा, गौरव ठाकुर, एडवोकेट राहुल ठाकुर, शिव कुमार शर्मा उर्फ लल्ला, अनुज वाल्मीकि, विनीत शंकर, भूरे भाई, राजीव चौधरी, अजीत चौधरी, ढोल मास्टर अजय बिट्टू, वाल्मीकि अंकित शर्मा मौजूद रहे। मुरादाबाद से सचिन कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम नीरज है। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 12 है। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी करी तो उसमें एससी में सीट आई है, तो वार्ड वासियों किस तरह की उम्मीद रखते हैं कि आप जीतने के बाद किस तरह का विकास कराएंगे? सबसे पहले तो मैं वार्ड वासियों को इस बात की अपील करूंगा, जैसे एससी में इस बार सीट आई थी, सीट स्थानीय आदमी को नहीं दी गई है, बाहर के आदमी को दी गई, जिसका नाम प्रशांत सागर है, जो कि यहाँ नहीं रहता। गोविंद नगर, बेरीगांव, बैंक कॉलोनी, सरस्वती विहार, ये सब लोग बेचारे भटकते रहेंगे क्योंकि वो पार्षद यहाँ का नहीं है। मुझे इन सब लोगों ने मुझे बड़ा सम्मान दिया और मुझे सपोर्ट किया, चाहे वो सैनी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे गुप्ता समाज, सभी समाज के लोगों ने मुझे चढ़ा और उन्होंने कहा जब सीटी एससी की और एससी को जिताना है तो एससी का कोई ऐसा व्यक्ति ले आओ जो यहाँ का स्थानीय हो और यहाँ के स्थानीय से यहाँ का कार्य निकल जाए और किसी पब्लिक को, किसी जनता को किसी परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। सर, इस क्षेत्र में आपके कितने वोट? इस क्षेत्र में टोटल 10,613 वोट हैं, जिसमें से एससी समाज का वोट 450 है, जिसमें 250 जाटव हैं, 200 वाल्मीकि हैं और लगभग सैनी समाज और सभी, जब ज़्यादातर वोट जो है गोविंद नगर बाटवारा के अंदर वो ठाकुर और ब्राह्मणों का वोट जाता है। जैसे जैसे आपको निर्दलीय टिकट हुआ है, आपके सामने कद्दावर वार्ड में खड़े हैं लोग, उस बारे में क्या लगता है आपके कहीं ना कहीं? देखिए, मुझे उस बारे में कोई सोच के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा वार्ड मुझसे बेहद खुश है, क्योंकि वार्ड को जब एससी के व्यक्ति को जिताना है तो वो अपने क्षेत्र के व्यक्ति को जिताएगा, ना करके बाहर के व्यक्ति को जिताएगा। और मैं पूरे वार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मेरे मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। मेरे आज स्वागत में मेरा चुनाव चिन्ह मिला, मुझे गोविंद नगर लाइन और पुल पर से ही मेरे लोग मुझे स्वागत करके मेरे निवास तक लेके आए, मैं उन सभी समाज के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, जिस तरह से पर्चा दाखिल हुआ, पर्चा दाखिल होने के बाद वापसी, क्या चुनाव चिन्ह मिला है आपको? मुझे चुनाव चिन्ह उगता सूरज मिला है। हेलो, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ मैं, उगता सूरज चुनाव चिन्ह मिला। भारतीय जनता से अपील करूंगा कि उगते सूरज का बटन दबाकर गोविंद नगर के विकास की और सोचें।